हेलो, हाँ मुख्तार कहाँ है? अरे हो क्या, क्या न्यूज़ देखी तूने यार? जल्दी देख। अच्छा रुक, मैं अभी देखता हूँ वीडियो। हेलो हेलो हेलो, ये खबर दर्दनाक भी है, संसार करने वाली भी है और उतनी ही खतरनाक भी है। 8 साल की बच्ची के साथ ऐसा विभत्स बलात्कार, गैंगरेप होता है, वो बार बार गैंगरेप, उसके शरीर के साथ इतना। मैं समझ सकता हूँ, सालों को बेटी नहीं चाहिए लेकिन बिस्तर पर लड़की जरूर चाहिए। ओए देख प्रधान, अरे इसी के तो रिश्तेदार थे वो जिसने रेप किया। अबे तू जैसे को तो यू खरीद लेते हैं, गांव के प्रधान है, अंधा पैसा अंधा पैसा। तुम जैसे की औकात क्या हमारे आगे, हमसे फालतू बोल रहे हो तुम? पैसा है तो क्या हुआ, किसी की माँ बहन से खेल लेगा तू? तू मत भूल कि तू भी किसी एक माँ की औलाद है। अबे अपनी औकात में रह के बात करो तुम, ठीक है ना? तुम्हारी औकात नीचे है, नीचे आवाज नीचे रख के बात करो। हमारा ये गांव है और हमारी ही चलती है इस गांव में, तुम्हारी औकात क्या है जो इतना अकड़ के बोल रहे हो? सुना है तुम्हारे गांव में बहुत बारिश होती है, थोड़ा बच के रहना, अगर धुल गए ना एक बार सारी गलत फहमियां दूर हो जाएगी। आसीफा तुझको इंसाफ दिलाएंगे, कातिल को तेरे फांसी चढ़वाएंगे। तुम पर जो गुजरी है हम सुनकर रोते हैं, अय्याश दरिंदों का ऐलान ये करते हैं। कसम ये उठा ली है, फांसी दिलवानी है, फांसी दिलवानी है, कसम ये उठा ली है। आसीफा तुझको इंसाफ दिलाएंगे, कातिल को तेरे फांसी चढ़वाएंगे। कातिल की नजरें वो मंदिर का आंगन, मंदिर है अल्लाह का घर, ये जालिम क्या जाने। आसीफा तुझको इंसाफ दिलाएंगे, कातिल को तेरे फांसी चढ़वाएंगे। इसमें कितनी गोली है? है तो एक गोली इसमें, एक की जान लेने के लिए एक गोली बहुत होती है। पागल तो नहीं हो गया? ऐसे ऐसे लोगों को मार देने पे। तूने जो किया है उसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे ब्रो, हमें बिल्कुल अमीर, हमको कोई नहीं पकड़ता, हम रहते नशे में दूध 24 घंटे। ब्रो पैसे तो यूं फेंकते, तुम्हारे औकात के है, मैं गांव के प्रधान के बेटे है ब्रो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसे यूं फेंकते हैं। तुम्हारी औकात क्या है, हम तो रेप करेंगे, हमारी मर्जी, नशे में धुत रहते हैं ब्रो। तुमने मेरा लड़के को मार दिया। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम दोनों की वजह से मेरा बेटा मर गया, तुम दोनों ने मारा है, तुम दोनों को मैं जीते जी भिखारी बना दूंगा, रोड पे ले आऊंगा तुमको मैं। कोई गम नहीं, गरीब बन के भी जिंदगी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। देखना गरीबी तुम्हारी कैसी हालत कर देगी, कुत्तों जैसी हालत में जियोगे, कुत्तों जैसी हालत में। सुन, गरीबों की बस्ती में जाकर देखना, वहाँ के बच्चे भूखे जरूर मिलेंगे, उदास नहीं। आगे आगे ओही।